चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा 10 मार्च यानी आज विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा साल 2023-24 के लिए बजट अनुमान सदन में पेश कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग वर्गों के लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। बता दें कि पिछले साल इसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे और आज पंजाब का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और सरकार द्वारा कई वादे और गारंटी पूरी की जा चुकी है। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू हुई और इसके बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। भारत आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ का भव्य स्वागत किया गया, जिस पर प्रभावित होकर एंथनी अल्बनीज़ ने भारत को अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बहुत अच्छे से स्वागत किए और ऑस्ट्रेलिया और भारत अच्छे दोस्त हैं और अब हम पार्टनर भी हैं और वे हर रोज अपने संबंध को और मजबूत करेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए पूरक की भूमिका निभा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च 2023 की तारीख से जारी किया गया है। इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संशोधन किया है, जो अब लागू हो गया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद कांस्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश की तीनों सेनाओं में रिलीज होने वाले अधिक से अधिक अग्निवीरों को नियमित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर रहा है। होला मोहल्ला के दौरान स्थानीय ऐतिहासिक गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब के अंदर बने बाथरूम में एक निहंग सिंह की लाश बरामद हुई है। जांच अधिकारी एएसआई केवल कृष्ण ने बताया कि गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब के बाथरूम से एक निहंग सिंह की लाश बरामद हुई, जो शुरुआती जांच में हार्ट अटैक का मामला लग रहा है। वही मृतक से मिले आधार कार्ड के अनुसार नौजवान की पहचान 22 साल के गुरप्रीत सिंह पुत्र जगसीर गांव रोड खुर्द जिला मोगा के रूप में हुई है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। दरअसल पुलिस ने रात 3 बजे पुलवामा के 3 शहीदों की विधवाओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल ये महिलाएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी कि इस दौरान सीआरपीएफ के 3 शहीदों की वीरांगनाओं को हिरासत में ले लिया गया, जबकि सांसद किरोड़ी लाल मीना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला देर रात 3 बजे का है। बता दें कि सचिन पायलट की आवाज के बाहर धरने पर ये लोग बैठी हुई थी और वहीं अब खबर है कि सभी को जयपुर के सेस थाना ले जाया गया है। जर्मनी के हैमबर्ग शहर में गिरजाघर में अंधाधुंध फायरिंग की गई। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस मामले में 7 लोगों की मौत होगी, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हैमबर्ग पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि अल्सरडॉर्फ इलाके में स्थित विटनेस चर्च में गोलीबारी की यह घटना हुई। मौके पर पहुंच पुलिस का बचाव अभियान जारी है। हैमबर्ग पुलिस ने ट्वीट किया कि वे फिलहाल हमले के कारणों की जांच कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के बीच आसपास रहने वाले निवासियों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हमलावर के फरार होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या शूटर मृतकों में से था और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की कि हमले में कितने लोग मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी के चलते आज से निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण वाले करने वाले युवा मतदाता सूची में शामिल नाम करा सकते हैं और 11 से 17 मार्च तक दावा व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इनका निस्तारण 18 से 22 मार्च के बीच होगा। बाद में अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का जन सामान्य के लिए प्रकाशन 1 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय एक प्रदर्शन करने का फैसला किया। बीजेपी ने आपके खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार की है और बीजेपी अपने 400 दिन की योजना के जरिए दिल्ली की आप सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ ही
पूरे देश में उनकी चुनावी संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा रखती है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों को लेकर उनकी पार्टी आपको घेरने की उम्मीद कर रही है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने आज से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में नए दाखिले के लिए बड़ा अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने यहां राज्य के सभी शिक्षा अधिकारी और जिला टीमों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दाखिला मुहिम के पहले एक दिन 1,00,000 नए छात्रों का दाखिला करने का लक्ष्य रखा है। मुहिम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। बैस ने कहा कि वह खुद मुहिम की निगरानी करेंगे। बैठक के दौरान बैस ने विभाग के अधिकारियों को दाखिला मुहिम 2023 को और प्रभावी बनाने के लिए 10 मार्च 2023 यानी आज से 31 मार्च 2023 तक पंजाब के हर सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार पर दाखिला बूथ स्थापित करने के आदेश देते हुए कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हर अधिकारी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करे। बैस ने कहा कि सबसे ज्यादा नए दाखिले वाले स्कूल स्टाफ को जहां से प्रशंसा प्रमाण पत्र और स्कूल को विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी, वहीं पंजाब के लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात भी करवाई जाएगी। राजगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह टक्कर मार दी। दरअसल एसयूवी वाहन से टक्कर लगने पर जीरापुर कस्बे से एक मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि यह दुर्घटना तब हुई जब मोटरसाइकिल सवार युवक अचानक सिंह के काफिले के वाहनों के सामने आ गया और उस एसयूवी से टकरा गया जिसमें कांग्रेस नेता यात्रा कर रहे थे। कांग्रेस नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि सिंह तुरंत अपने वाहन से उतरे और घायल युवक राम बाबू बागरी जो 20 साल का है उसे अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच जारी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।